वो भी तो बहुत गंदा है, एकदम खुलेआम गाय है। अच्छा, हम नहीं देखे हैं सर, है? हम तो नहीं सुने हैं। नहीं, मैं सुना हूँ और रिकॉर्ड भी किया हूँ मैं। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। भेज दो व्हाट्सएप पे। जी अच्छा, भेजता हूँ। और सुनाइए। हाँ सब ठीक है। मतलब एक तरफ से ताली नहीं बजनी चाहिए, है ना? नहीं नहीं वैसे नहीं सर। दोनों तरफ से बजनी चाहिए। जी जी अब मान लो कोई बच्चा है, अगर वो गाली दे रहा है तो सब पहले हमारा समझाना काम है। जी नहीं समझता है तो फिर तो और तरीका है ही है। हाँ ये नहीं तो वो बात। इतने बड़े, वो इतने बड़े कलाकार बड़े हो के और ऐसी छोटी छोटी बातें उकसा रहे हैं, पहले अपने मुंह से कहते हैं फिर उसको बदनाम करते हो। नहीं नहीं जैसे आपस में सब करने से कोई फायदा नहीं है, जिलावादी कर रहे हैं ना सर। हाँ, जिलावादी कर रहे हो। हाँ, गायक का कोई घर नहीं होता है ना कोई धर्म होता है, समझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कलाकार कहीं भी जाके गा सकता है, कमा सकता है, दो रोटी खा सकता है, इसमें कोई कहीं नहीं रोक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने गाली कोई दिया है उन्होंने, लेकिन जो मैं एल्बम भेजूंगा स्टेज परफॉर्मेंस की, जी जी अभी मैं भेजूंगा तुरंत, ठीक है? जी भी और जी आपका अब नाम? उसको सुनना कि मेरा नाम है अंजलि शर्मा, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। अच्छा करते हैं क्या सर? मैं यही मेरा मैं स्कूल में रहता हूँ, अच्छा, बनस्थली पब्लिक स्कूल से। जी जी ठीक है। जी और ठीक है मैं सर। हर कलाकार से बात करता रहता हूँ। जी जी इनसे प्रदुमन से ही बात हुई थी मेरी, आज मैं उनसे ही बात करता जी जी पर उनका फोन जो है स्विच ऑफ जा रहा है। जी और ऐसे एक्चुअली मैं रहने वाला बलिया का ही हूँ, जी जी ठीक है? और आपका उनका नंबर नाम है सुने हो? किनका? उनका नाम सुने हो? किनका? सुभाषिस कैसेट, जो अमर उजाला के पत्रकार हैं। ये नाम पांच डी रोड, पांच डी रोड। नाम तो सर सुने हैं, देखे नहीं। और रामेश्वर साउंड के नाम से सुने हो किसी को? नहीं सर, सुनते हैं तो बहुत सुनते बहुत हैं सर। पुराने, ये जो रिकॉर्डर करते थे पहले रिकॉर्डिंग, जी जी ये पांच डी रोड के बहुत पुराने वो हैं ये। जी हाँ जी। इसमें सर हम क्या करेंगे सर, हम तो नहीं, मेरा कुछ वो ऐसा कोई मैटर नहीं है। जी जी बस मैं पूछ रहा था। जी जी क्योंकि जब छपरा जिला एक ऐसा जिला है, जी जी एक हमारे स्कूल में प्रोफेसर है, जी ये कहते हैं कि जिला में तीन जिला है जी सर, समझे? मैं बता देता हूँ आपको, छपरा जिला, बलिया जिला और आरा जिला, जी समझ गए? जी ये तीन जिला ऐसा है जो कि देश के किसी भी कोने में चले जाओगे जी जी तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये इस जिले से आया है। आइए, सब चीज तो वहीं से सारा चीज हम लोग का शुरुआत हुआ है, तो सब तो इधर से हुआ है, ठीक है? और हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे ना, जी जी वो राजेंद्र प्रसाद जी, जी जी वो छपरा जिले से ही थे। जी जानते हैं सर। और बलिया से ही एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री बने जिनका नाम चंद्रशेखर जी है। जी और आज भी तो जितने भी मंत्री जाए अपने आप को कितने ही बड़े बन जाए। जी जी टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, टाइम मेरे पास है। जो जितने भी चाहे बड़े अपने आप को कितने ही बड़े बन जाए मंत्री जी, लेकिन चंद्रशेखर जी को आज भी झुक के ही सलाम करते हैं। आइए सर, सर तो हाँ। और बलिया जिला से ही मंगल पांडे थे। हाँ सर, हाँ सर है। नहीं, मैं अभी आपको व्हाट्सअप करता हूँ वो गाना, ठीक है? ठीक, व्हाट्सअप कर दीजिए सर, मैं करता हूँ अभी, उसके बाद हम बात करेंगे फिर आपसे। इसी पे ही करोगे ना? यही व्हाट्सअप नंबर है ना? हाँ हाँ ये है। ठीक है, अभी करता हूँ। क्या नाम लिखूँ इस पे? संजय सुरीला जी? श्याम सुरीला, श्याम सुरीला, श्याम सुरीला, ठीक है जी। अच्छा, मेरा नंबर कहाँ से आपको मिला? ये नंबर जी, देखो नंबर तो उससे निकाल देता हूँ मैं, यूट्यूब से निकाल देता हूँ, गूगल से निकल जाता है। जी जी जो आपने सर्च किया होगा, जी जी टैप किया होगा, कहीं भी छुपा हुआ रहेगा ना, तो उसमें जो मारोगे सिंगर हो गए वो मोबाइल नंबर। हाँ सर ठीक है, सिंगर का तो मोबाइल नंबर कहीं से भी निकाल देते हैं। हाँ, कहीं भी निकल जाएगा वो। नहीं सर, हम सब ऐसा मैटर में गंदा, मेरा गाना देखिएगा सुनिएगा, मेरा कोई तरह का ऐसा गाना नहीं है। अच्छा, आपको चार्ज क्या होता है? हैं,
आपका चार्ज क्या होता है अभी तो सर? प्रोग्राम करने का नहीं अभी चार्ज सर, तो आप में जैसा प्रोग्राम कराएगा वैसा चार्ज लगता है। नहीं देखो, एक मुझे छोटा सा प्रोग्राम कराना है। जी जी ये लॉकडाउन हो गया नहीं तो मैं अभी लड़की का मुंडन करा रहा हूँ। ये दशहरा गया है ना 1 तारीख को। जी जी 1 तारीख को दशहरा था, गंगा स्नान। जी इसी को भी मुंडन कराया था मैं अभी ना। हम बाल वाल कटिंग, एक बात बाल वाल कटिंग सुनिए ना जी सर, जी मेरा भी बात जी जी बताइए ना। हम छपरा के हैं, नसीवान के हैं, नारा के हैं, ठीक है। जी हम जी जी हम जहानाबाद जिला से हैं, ठीक है। अच्छा जहानाबाद। लेकिन जितना इज्जत हम देते हैं उधर को, कलकार को, जितना अपना आदमी को उतना नहीं देते हैं, समझे। जो चीज भी सीख हम लोग को मिलता है जो आरा जिला सिवान से ही मिलता है, समझे। काहे कि भोजपुरी का जन्म हुआ है तो उधर से ही हुआ है, जिला अरब जहाँ भोजपुर से ही हुआ है, छपरा से ही हुआ है, भोजपुर से हुआ है जी। तो और हमारे ही बलिया जिला के थे ना नथुनी सिंह। जी जी नथुनी बिराज, जिनको उनको बेटा भी था कमलेश यादव। हाँ कमलेश, हाँ उनका भी एक गाना, उनका भी गाना एक हिट हुआ था। हाँ एक गाना था उनका, और बहुत अच्छे गाने। हाँ हाँ सही है, अपने पिताजी के ही गाने गाते हैं वो। सुना देते हैं आपको, गाना याद है हमको। अच्छा अच्छा सैया चला वेला हमरो रेल छोड़ के अकेला। हाँ हाँ यही गाना है, उन्हीं का ही गाना है, नथुनी सिंह का ही गाना है ये। नथुनी सिंह का लड़का का गाना था। हाँ हाँ मतलब उनके पिताजी ही गाना गाए थे पहले। हाँ गाए थे लेकिन गाना वो भी अपना, अब इन्होंने दोबारा जो नई जो म्यूजिक बनाया है जी वो उस पर बना दिए हैं। मेरा जघरवा वाला गाड़ी के चलाई रे उपाई कौन कर के जईहा। तो अभी अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं ना आप? जी जी स्टेज भी करते हैं, ठीक है सर। ठीक है मैं करता, ठीक है वो ठीक करता हूँ, मैं व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक वो भी तो बहुत गंदा है, एकदम खुलेआम गाए हैं। अच्छा हम नहीं देखे हैं सर है? हम तो नहीं सुने हैं। नहीं मैं सुना हूँ और रिकॉर्ड भी किया हूँ मैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। भेज दो व्हाट्सएप पे।